आ गया बड़ी, बहुत ही तेज भूकंप आया भाई। गॉड यार, अभी आ रहा था ना भोपाल दा, कितने बज रहा है अभी? 2:51 हो रहा है। 2:51 पे आया, बहुत ही तगड़ा भूकंप आया यार। क्यों, चेयर के साथ बाहर बैठ गए? हम तो ये चेयर लेके बाहर बैठ गए। देखो ये देखो, हम लोग बाहर आ गए, यहाँ पर बैठ गए। केंद्र कहाँ हुआ होगा इसका केंद्र? पता करो कहाँ? नेपाल में हुआ है। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा तगड़ा भूकंप आया है हमारे उत्तराखंड में, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ आया होगा। इधर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी जगह आया होगा। तो इधर हल्द्वानी और साइड में भूकंप आ सकते हैं, और आ सकते हैं। हाँ, बड़े भूकंप आ सकते हैं। हाँ आएंगे ही, क्योंकि नेपाल से टच है ना, वहाँ तो रोज ही भूकंप आते रहते हैं। ये देखो हमारे बबू, ये भूकंप से इतना डर गए हैं, अब अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नुकसान नहीं होना चाहिए, भूकंप तो रोज आते ही रह रहे हैं। बीच में भी आया था भाई साहब, ये बहुत तगड़ा नहीं आया था। अभी और आएंगे, और आ सकते हैं अभी। तो गाइज अभी सनसेट होने लग गया है, 8,000 फीट की हाइट से हम लोग अभी देख रहे हैं सनसेट, और काफ़ी क्लियर है, और सनसेट भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बढ़िया सा गाइस, सनसेट देखने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ के आया था, तो फिर भी बहुत बढ़िया सनसेट देखने को मिला यहाँ पर। और इधर पूरा लाल हो रखा है, देखिए। अभी सनराइज होने लग गया है, और जो सनराइज है ना, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये है गाइस व्यू आज का, और इसमें त्रिशूल और नंदा देवी दिखाई दे रहे हैं, और नीचे धुंध बहुत हो रखी है। और देखिए काफी बढ़िया खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूरा अच्छा जंगल है। तो गाइस आप सुबह सुबह का व्यू काफ़ी खूबसूरत है, देखिए त्रिशूल, नंदा देवी, मेटोली और पंचाचोली, नंदा कोटी, सारे बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो इस महीने में अब धीरे धीरे मौसम साफ होने लग गया है। तो ये है त्रिशूल, तो यहाँ चमोली एरिया में पड़ता है, चमोली है यहाँ पर। और अभी धूप आ चुकी है, तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। तो ये चारों तरफ का जो व्यू है ना, काफी सुंदर देख रहा है। आज जो बादल हैं सब नीचे बैठ गए हैं, और ऐसा कभी कभी होता है कि बादल नीचे बैठ जाए, जहाँ पर नदी है वहाँ पर तो वाइट वाइट हो रहा है, ये बर्फ की नदी जैसी दिख रही है, लेकिन ये पूरा बादल है, तो और तो बढ़िया दिख रहा है, ऊपर नीचे बादल है पूरे। जंगल के बीच में जो ये होटल है, इसकी खूबसूरती देखने लायक है। संतन के भंडार भरे सदा खुशहाली जय काली कर।
जंगल में मुझे कुछ अलग प्रकार का प्राणी मिला, जितर चिथरौल जैसा दिख रहा है। देखो ये शायद ये चिथरौली होगा, ये छोटा छोटा है नीचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस 6 बज चुके हैं और अभी धूप आ चुकी है और मैं और सौरभ जा रहे हैं जंगल में घूमने के लिए। तो यहाँ पर अभी लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, अभी किसी ने बताया कि पार्क दिखाया करके, तो हम लोग भी निकल चुके हैं बाघ देखने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ बाघ आता है, तो अभी देखते हैं कि कहाँ पर वो है। और यहीं पर है यार, यहीं कहीं है। तो यहाँ पर कॉल आ रही है, तो बाघ है इसी एरिया में, और जो भी बोल रहा था उसने बाघ देखा करके ठीक बोल रहा था वो। तो सौरभ तो बिना डरे चल दे रहा है। तो कॉल तो यहीं आ रही है, यहीं है कहीं। देखो बड़ा घना जंगल है तो इसके अंदर रहते हैं ना, तो जिसने भी देखा रास्ते में देखा, सुबह सुबह देख रखा है, तो यहीं इस जंगल के अंदर है। अगर बाघ आएगा तो क्या होगा? तो गाइस ये घना जंगल है ना, यहाँ से अंदर चले गया होगा, तो यही कहीं देखा था वो। आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं नीचे से, यहाँ नीचे से आ रही है आवाज़, बहुत तगड़ी तगड़ी आवाज़ आ रही है, तो डर तो लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, अब दिख तो नहीं रहा है, चल देते हैं वापस। तो गाइस यहाँ पर आए थे हम लोग, तो ये आवाज़ आ रही है नीचे से, तो यहाँ है लेपर्ड। तो किसी ने अभी यहाँ देखा था सुबह ये कि आप बाघ देखा करके, तो हम लोग भी आए थे, तो दिख तो नहीं रहा है हमको, दिख चले गया अंदर, ये जो घना जंगल है ना इसके अंदर चले गया है वो। अभी सौरभ जाने लग गया वापस, तो चलते हैं। तो सुबह शाम वैसे बाघ का खतरा रहता है यहाँ पर, बाघ आता है तो बिल्कुल सुनसान घना जंगल है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तो। लेकिन मौसम बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर व्यू देख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, और देखो धूप पहाड़ी में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सुहाना मौसम हो रखा है। तो सुबह सुबह घूमने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बढ़ गई है, काफ़ी ठंड लग रही है। पेड़ों के पत्ते भी लाल होने लग पीले पड़ गए, देखो ये।